हाथी और मोर की कहानी। एक बार का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक बड़ा हाथी और एक खूबसूरत मोर रहते थे। हाथी अपनी ताकत और बड़े जिस्म पर फखर करता था, जबकि मोर अपने रंग बिरंगे पर और खूबसूरत नाच पर फखर करता था। एक दिन हाथी ने मोर को ताने देते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी पहचान है, लेकिन मेरे पास ताकत है, मैं जंगल का सबसे मजबूत जानवर हूँ। मोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकत से ज्यादा अहमियत खूबसूरती और खुद एतमादी की है। फिर एक दिन जंगल में एक बड़ी सैलाब आ गई। हाथी ने अपनी ताकत से खुद को बचा लिया, लेकिन मोर को पानी में बहते हुए देखकर हाथी ने सोचा कि मोर की खूबसूरती इसके काम नहीं आ सकती। हाथी ने मोर को अपनी पीठ पर बिठाया और महफूज जगह पर ले गया। सैलाब के बाद मोर ने हाथी से कहा, तुम्हारी ताकत ने हमें बचाया, लेकिन मेरी खूबसूरती ने तुम्हें मुतासिर किया। हर सिफत की अपनी अहमियत है, हाथी ने सर झुकाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, हमें अपनी अपनी सलाहियतों का एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद से हाथी और मोर अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने जंगल के तमाम जानवरों को सिखाया कि हर किसी की अपनी खुसूसियत होती है और हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए।